नमस्कार जय हिंद साथियों, मैं रोहित भार्गव न्यू अतुल्य एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी के साथ हूँ। दोस्तों, हम यहाँ पर मध्य प्रदेश करंट अफेयर की बात कर रहे हैं और यहाँ पर हम बात करेंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स। जी हाँ, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया। हम यहाँ पर बात करेंगे कि किस खिलाड़ी ने कौन सा पदक जीता है, साथ ही साथ इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुरुआत किसके द्वारा की गई, कौन से नंबर का संस्करण है, एक एक बात यहाँ पर हम करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, बात करें कि भाई पांचवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जी हाँ, कौन से नंबर का है ये, पांचवें नंबर का है। ठीक है, पांचवें नंबर का खेलो इंडिया यूथ गेम्स हम यहाँ पर बात करेंगे। कौन से नंबर का भाई, ये 15वां हो गया, लेकिन ये कौन से नंबर का है, पांचवें नंबर का। पांचवा खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इस पांचवा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन 2022 का आयोजन कहां पर किया गया, मध्य प्रदेश में। चलिए देखते हैं हम यहां पर, केंद्रीय खेल मंत्री कौन, अनुराग सिंह ठाकुर। केंद्रीय खेल मंत्री भाई, केंद्र में खेल मंत्री के पद पर कौन है भाई, अनुराग सिंह ठाकुर। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के पांचवें संस्करण, पहला प्रश्न ये रहा, अभी बोला था आपको मैंने कौन सा संस्करण था, पांचवा संस्करण, और इसका शुभंकर था चीता और मोगली। चीता और मोगली, मशाल अमरकंटक और मशाल अमरकंटक और अनावरण किया गया। बात करूं इस खेल जिसका आयोजन यानी खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 के मध्य तक किया गया। शुभंकर क्या है इसका, चीता और मोगली। बात करूं मैं, खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का उद्घाटन समारोह यह हुआ था टीटी स्टेडियम, तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल में किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का उद्घाटन कहां किया गया, तात्या टोपे स्टेडियम। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 की टैग लाइन थी, याद रखिएगा, हिंदुस्तान का दिल धड़का दो, हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। पहला प्रश्न कौन सा संस्करण है, पांचवा संस्करण, शुभंकर याद रखना। इसका उद्घाटन कहां किया गया, तात्या टोपे स्टेडियम, किसके द्वारा किया गया, केंद्रीय खेल मंत्री कौन है, अनुराग सिंह ठाकुर और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के द्वारा। इसकी टैगलाइन क्या रही, हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। इसके अलावा बात करूं मैं यहां पर, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन मध्य प्रदेश के कितने शहरों में किया गया, भाई 8 शहरों में, यह प्रश्न भी बन सकता है। वो भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और खरगोन में इसका आयोजन किया गया, तथा साइकिलिंग इवेंट का आयोजन मध्य प्रदेश में नहीं, यह कहां किया गया, दिल्ली में, याद रखिएगा, साइकिलिंग इवेंट का आयोजन दिल्ली में किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के आगामी संस्करण में कुल 27 खेलो, यानी आगामी भाई 27 खेलों का आयोजन किया जाएगा। और खेलो इंडिया गेम्स के इतिहास में पहली बार वाटर स्पोर्ट्स, कयाकिंग, कैनोइंग और कैनो स्लालम और रोइंग को भी शामिल किया गया। कितने खेल शामिल किए गए थे इसमें, 27 खेलों को शामिल किया गया था। ठीक है, पहली बार कौन से खेल को, यह भी बता दिया मैंने आपको। इस गेम्स की शुरुआत हुई थी, बात करूं मैं 2018 में, स्कूल गेम्स के नाम से शुरुआत हुई थी, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के नाम से इसकी शुरुआत हुई थी। बाद में दोस्तों इसे खेलो इंडिया यूथ गेम्स कर दिया गया। 2022 का समापन समारोह भी कहां हुआ, भोपाल में हुआ। कब हुआ भाई, 11 फरवरी को भोपाल में, जिसमें ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट शूटिंग खिलाड़ी गगन नारंग, ये भाई यहां पर समापन समारोह पर उपस्थित रहे। अब यहां पर पदक तालिका देख लेते हैं, खेलो इंडिया पदक तालिका 2022 में टॉप फाइव या टॉप फाइव स्टेट कौन से थे। पहले नंबर पे तो कौन सा रहा हमारा भाई, अब हम कौन सा रहा, महाराष्ट्र। दूसरे पे हरियाणा, तीसरे पे मध्य प्रदेश, चौथे पे राजस्थान, पांचवे, याद रखें, महाराष्ट्र 56 स्वर्ण, 55 रजत और 50 कांस्य के साथ 161 कुल पदक जीते, पहले नंबर पे रहा। दूसरे पे हरियाणा 41, 32, 55, 128। भले इस खेल का आयोजन मध्य प्रदेश में किया, और मध्य प्रदेश इस खेलो इंडिया गेम्स में कौन से नंबर पर रहा, तीसरे नंबर पर। 39 स्वर्ण पदक जीते मध्य प्रदेश ने, 30 रजत पदक, ये बहुत काम के डाटा है, यहां पर रखिएगा, 39 स्वर्ण पदक, 30 रजत पदक और 27 कांस्य पदक के साथ कौन सी पोजीशन पे रहा हमारा मध्य प्रदेश, थर्ड नंबर पे, कुल 96 पदक जीते, और चौथे नंबर पे राजस्थान, कुल 48 पदक, और दिल्ली कितने पदक के साथ, 64 पदक। ठीक है, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में टॉप फाइव स्टेट या उप शीर्ष पांच राज्य में पहले पे महाराष्ट्र, दूसरे पर हरियाणा, मध्य प्रदेश कुल 96 पदकों के साथ तीसरे नंबर पे था। पहले नंबर पे कौन था, महाराष्ट्र 161 पदकों के साथ। बात करूं कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स के खिलाड़ी भाई, यहां पर ये खिलाड़ी से प्रश्न बनता है कि इस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है, तो भाई देवेंद्र सेन और नीरज वर्मा का संबंध है कयाकिंग कैनोइंग, और एक और खिलाड़ी अजित कुमार जिसका संबंध है एथलेटिक्स से।
नितिन वर्मा जो कहां के हैं, सीहोर के, इनका भी संबंध किया किंग केनोइंग एवं दीपेश लश्करी का संबंध है जिम्नास्टिक। बात करूं मैं यहां पर नितिन वर्मा व रिमसन मेरिमम, ये इनका संबंध भी किया किंग केनोइंग और नीरज वर्मा का संबंध भी सेम खेल से, विनीता चानू और आस्था दांगी का भी सेम किंग केनोइंग और किया किंग केनोइंग, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया दोस्तों, किया किंग केनोइंग ही है। गौतमी भनोट इनका संबंध है शूटिंग 10 मीटर एयर पिस्टल। सत्यार्थ पटेल जो कि भोपाल से, जिनका संबंध है शूटिंग से, और देव मीणा ये देवास से है, पोल वॉल्ट इवेंट से इनका संबंध है। इनके जिलों के नाम भी लिखे कि ये कहां से है, ये भी कभी कभी प्रश्न हमको देखने को। सेम ऐसा यहां पर अजीत कुमार, दीपेश लश्करी, मानसी बातम भोपाल से, भूमि बघेल केनो से लालो, प्रद्युमन सिंह राठौर इंदौर से, विशाल वर्मा लगभग यहाँ पर अधिकतम खिलाड़ी केनोसलम से ही है, और अंकित सिंधव, हरिओम ठाकुर, अमन सिंह व अरविंद सिंह इनका संबंध रोइंग से, और प्रणव कोरी इनका संबंध है मलखम खेल से। इसके अलावा और भी खिलाड़ी यहाँ पे, आदित्य रघुवंशी उचीकूद, अजय बाबू भोपाल, इनके यहाँ पे वेट लिफ्टिंग के संबंधित है। इसके अलावा मैं बात करूं सोनिया ठाकुर और अमित कुमार तीरंदाजी, गौरव दांगी इंदौर के मार्शल आर्ट कलेरपट्टम। इसके अलावा बात करूं रिया और निशिता गोड़वाले योगासन, मध्य प्रदेश हॉकी टीम यहां पर हॉकी में उड़ीसा को 3-2 से हराया मध्य प्रदेश हॉकी टीम ने। हिमांशी टोकस जेवलिन थ्रो, मलिका मोर बॉक्सिंग, बुसरा खान एथलेटिक्स, घनश्याम विल्लोरे जिम्नास्टिक, योगेश्वर दत्त बॉक्सिंग, शिवकन्या मुकाती धार से जिनका संबंध है एथलेटिक्स से, अभिषेक सिंह यादव का कुश्ती से, आर्यन गणेश का तैराक से, सिद्धि गुप्ता मलखम से, श्रीकांत दामी थांगता से, कुंदन सिंह छावा मलखम से और हिमांशी टोकस जूडो से। ये जो खिलाड़ी है यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न हमको पीएससी के एग्जाम में देखने को भी मिल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफी जानकारी मिली होगी। तो ऐसे ही वीडियो के लिए आप दोस्तों लगातार चैनल के साथ बने रहे, न्यूतुल्य एकेडमी चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें आप नए हो, और वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।